बेनीपट्टी नगर के सरिसव गांव के सुशील यादव के आवासीय परिसर में सोमवार को श्री राधा कृष्ण मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां झंझारपुर लंगरा चौक के झंझारपुर आँख अस्पताल के डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा आँख के समस्याओं से ग्रसित लोगों की जाँच की गई। जाँच के बाद ऑपरेशन लायक लोगों को जल्द ही ऑपरेशन किए जाने को कहा। वहीं दर्जनों लोगों को समस्याओं के निदान के लिए दवा लेने के सलाह दिए गए। बताया गया है कि करीब 200 लोगों के आंखों की जांच की जाएगी। दोपहर करीब 1 बजे तक करीब 60 लोगों ने अपने आंखों का जांच करा लिया था। लोगों में आंखों में जलन, कम दिखना और मोतियाबिंद की समस्याओं से ग्रसित अधिक लोग पहुँच रहे थे। आपको बता दें कि सरिसव में संचालित श्री राधा कृष्ण मानव सेवा संस्थान के द्वारा अक्सर समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इस दौरान शिविर को सफल बनाने के लिए पूर्व डीओ वशिष्ठ झा, कपिलेश्वर झा, सुशील यादव, उपेंद्र यादव, महानंद झा, नारायण मिश्र, वार्ड पार्षद मंगल कामत, हरे राम झा, भाग्य नारायण मिश्र सहित अन्य लोग जुटे रहे। सुनिए शिविर के संबंध में आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टर विमल कुमार और संस्थान के पदाधिकारियों ने इस आयोजन पर क्या कुछ बताया। तो मतलब गरीब किस्म के ही मरीज आते हैं, जिनको आंख में प्रॉब्लम रहती है, दूरी, नज़दीकी, जलन, लहर, इसी सब टाइप की दिक्कत रहती है। तो जो ज़्यादातर मरीज यहाँ जो है मोतियाबिंद का आया है। नॉर्मल मरीज भी आया है रिफ्लेक्शन टाइप में, जिनका चश्मा का ज़रूरी है, किन्हीं को दूरी कम दिखाई देता है, किन्हीं को नज़दीक का प्रॉब्लम है, इस टाइप का मरीज आया है। और इसमें जो हम लोग हैं आयुष्मान कार्ड के थ्रू झंझारपुर आँख अस्पताल जो है इस बार आयुष्मान भारत से एफिलिएटेड हुआ है, तो उनके थ्रू हम लोग उस मुफ्त ऑपरेशन, लेंस, 15 दिन का दवा, काला चश्मा, रहना खाना पीना सारा चीज़ का सुविधा मुहैया करवाते हैं। काला मोतियाबिंद वगैरह जो है उस पर आदमी को एक्टिव रहना चाहिए कि हल्का हल्का दर्द अगर आँख में स्टार्ट हो जाए, थोड़ा बहुत आँख से पानी चले, दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक हमर सबके जो संस्था है राधा कृष्ण मानव सेवा संस्थान, पूर्व से परिचित छी, जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और हम सब संकल्पित छी या हर महीना कोनो कोने समाज के जाहि से उपयोग हेतु लाभ हेतु एहन कार्यक्रम चलाएब। जनवरी में हम सब कम्बल के वितरण केलहुँ, एहि महीना में हम सब निःशुल्क आँखि के जाँच जे छै से लोक के करवा कऽ और संगे संगे दवाई के सेहो व्यवस्था हम सब हुनका सबके करेबनि निःशुल्क। और जकर बाद जिनका आयुष्मान छनि तिनका जे छनि से कैंप में हुनकर मोतियाबिंद और अन्य जे ऑपरेशन छनि सेहो हेतनि। तऽ हमरा सबके जे सदस्य छी, हमर अध्यक्ष छथि, कोषाध्यक्ष छथि, हमर अन्य सदस्य छथि, तऽ सबहक सहभागिता एहिमे रहैए और ई कोशिश रहैए जे एतेक कार्य करी, हर महीना एकटा ने एकटा कोनो काज करी, जे समाज के ऋण जे हमरा सबके ऊपर छै तकरा हम सब चुकाबी। देखिए अभी तो टाइम देख ही रहे हैं, जो 1 बजा है, 1 बजे तक जो है सो 55 से 60 मरीज पहुंच चुके हैं और मेरा अनुमान है शाम तक जो है सो कम से कम 200 मरीज यहाँ पे पहुँचेंगे। और संस्था का उद्देश्य भी यही है जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आए, यहाँ पे आँख का इलाज करवाए, यहाँ पे दवाई या चश्मा संस्था प्रयासरत है जो फ्री में मुहैया कराए, इसके लिए संस्था अनवरत काम करता रहेगा। संस्था के प्रयास छले ई जे नेत्र शिविर लगले या ताई में ये एक्चुअली डॉक्टर साहब सब छथिन से हमरा गुरु महाराज के से ज्येष्ठ संतान छथिन, तो हम सब बहुत प्रयास केलहुँ जे हिनका द्वारा किछु धार्मिक आयोजन के संगे संगे सामाजिक कार्यक्रम सेहो कयल जाय, जाहिमे ई एश्योरेंस केलन जे ठीक छै हम एकटा नेत्र शिविर अहाँ सबके तत्वाधान में जे संस्था अछि तकरा तत्वाधान में से सरिसव ग्राम में लगायब आ जतेक मरीज भऽ सकतै से तकर ओकर फ्री में जाँच करब। और ऑपरेशन यदि हेतै जिनका कार्ड नहियो छनि तकरा जे संस्था के द्वारा जे किछु रेफर कयल जेतै कॉन्सेशन सेहो से हम सब हुनका मुफ्त में इलाज सेहो करबनि आ जे किछु ओहिमे कटौती शुल्क लेल जेतै सेहो लेल जेबनि। जतेक संस्था के तरफ से जे किछु कयल जेतै से हम सब मानक लेल तैयार छनि, ताहि पर वो एला आइटम आ एखनो एश्योर केलनि हँ जे अपने जे किछु कहबै
ताहि के आधार पर बाकी जे पेशेंट छथिन हुनकर इलाज हम सब समुचित ढंग से करब। ओहि में खेनाई पिनाई रहनाई जते व्यवस्था छै काला चश्मा सेहो से सबटा मुफ्त में देल जेते। आ ई संस्थान जे छै से एखन जतेक लोग के इलाज भेलै या दवाई लिखलखिन है चश्मा तकरा ई संस्था अपना तरफ से सबके दवाई और चश्मा के प्रबंध कैटेगोरी वाइज से देवक पूरा चेष्टा करथिन। या हमर सबके में एखन तक तो रेगुलर नियमित रूप से कम्बल वितरण आई जांच शिविर चल रहा है। अगला महीना में स्कूली बच्चा सबके बॉक्स बैग उनके और कई पठन पाठन सामग्री दिल जते। हमर इच्छा है हमर सबके कमिटी के या संस्थान के पूर्ण रूप से ये आशा है जे अनवरत कार्य चलित रहे और किछ न किछ समाज सेवा होइत रहे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।